हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ कमाल की गर्मा गर्म टेक्निक। दोस्तों, टेक्निक शुरू करने से पहले जहाँ मैं बात करूँगा कल के पोल की, तो वहाँ पे मैंने पूछा था कि इतने लोग यहाँ पे पबजी को खेल कर अपना टाइम पास करते हैं, तो मुझे वहाँ बहुत कम लोगों का फिर से वोट आया। दो लोगों ने वहाँ पर वोट किया और मुझे उन्होंने बताया कि भैया कुछ लोग 50% लोग कहते हैं कि मैं तो पबजी को खेल कर टाइम पास करता हूँ, 50% लोग वहाँ पर कहते हैं कि मैं बिना पबजी खेले ही अपना टाइम पास कर लेता हूँ। तो दोस्तों, वैसे में मेरा आज आपसे ये सवाल है कि कितने लोग यहाँ पे व्हाट्सअप के मैसेजेस लगातार फॉरवर्ड करते हैं बिना उसको वेरीफाई किए कि ये वाकई में जो न्यूज़ हमारे पास आई है वो सही है कि नहीं है, फेक तो नहीं है। तो आप दिए गए पोल में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहाँ पे आज वीडियो का लाइक एम रखता हूँ। आपको यहाँ पे 50 लाइक करनी है मेरे इस वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ जो पहला अपडेट हमारे पास निकल के आता है, दोस्तों यहाँ पे निकल के आता है व्हाट्सअप की तरफ। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट्सअप के बीटा वर्जन में यहाँ आपको कुछ अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो पहला अपडेट आपको मिलने वाला वो मिलने वाला है यहाँ पे व्हाट्सअप के प्रोटेक्ट बैकअप फीचर के साथ, जो कि आपके गूगल ड्राइव को प्रोटेक्ट करेगा, बैकअप देगा, प्रोवाइड करेगा वहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ कि इस नए जो अपडेट फीचर बीटा में मिले हैं व्हाट्सअप के, इसमें आपको ऑटो डाउनलोड नियम के भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी जैसे कि आप कोई भी ऐसा मैसेज है, कोई भी ऐसी इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, डॉक्यूमेंट है जो लगातार फॉरवर्ड की जा रही है, तो उसके ऑटो डाउनलोड को यहाँ पर रोका जाएगा इस व्हाट्सअप के नए फीचर्स की मदद से। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इस बीटा वर्जन में एक नया अपडेट और देखने को मिला है, जिसकी मदद से आप कोई भी मीडिया अपने मोबाइल के अंदर डायरेक्टली वहाँ से सर्च कर सकते हो, डायरेक्टली किसी को फॉरवर्ड वगैरह करना है तो आप वहाँ से आसानी से कर पाओगे। दोस्तों, आप जो अगला अपडेट निकल गया था वो यहाँ पे शाओमी की तरफ से निकल गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि बहुत जल्द आपको शाओमी के यहाँ पे वाटरफॉल डिस्प्ले वाले फ़ोन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि दोनों किनारों पर आपको 60% स्क्रीन दिया जाएगा। और मैं इस फ़ोन के फीचर के बारे में आपको बता दूँ तो इसमें आपको जो नोटिफिकेशन और नेविगेशन बार देखने को मिलेंगे वो आपको स्क्रीन के साइड में यानी देखने को मिलेंगे, यानी आपको फ़ोन के साइड में यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे किनारे देखने के नोटिफिकेशन और नेविगेशन बार देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये देखने वाली बात होती है कि ये जो नया वाटरफॉल डिस्प्ले वाला शाओमी का फ़ोन है वो किस प्राइसिंग के साथ और कब तक आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ जो अगला अपडेट निकल के आता है वो यहाँ पे निकल के आता है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि बहुत जल्द आपको सैमसंग के सेकंड जनरेशन फोल्डिंग फोन देखने को मिल जाएंगे। जहाँ हम बात करें उसी फोन के फीचर्स के बारे में, तो उसमें आपको यहाँ जो बेस वेरियंट मिलने वाला है वो 256 GB स्टोरेज से यहाँ आपको बेस वेरियंट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ये फोन आपको अगले महीने से देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। और अगर मैं आपको बता दूँ, इससे पहले जो फोल्ड फोन थे उसमें जो आपको बेस वेरियंट मिलता था वो 512 GB देखने को मिलता था। अगर वहीं हम बात करें इस 512 GB वाले प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग लगभग रखी गई थी 1,64,999। सैमसंग ने ये भी कहा जो सेकेंड जनरेशन के ये फोल्ड फोन 2 आने वाले हैं, इसकी प्राइसिंग बहुत कम रखी जाएगी। तो देखने वाली बात होती है कि दोस्तों कितने प्राइसिंग के साथ यहाँ जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 है देखने को मिल जाएगा। अगला अपडेट जो यहाँ पे निकल के आता है वो यहाँ पे गूगल की तरफ से निकल के आता है। दोस्तों, मैं बता दूँ सभी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक खुशखबरी की बात है, यहाँ पे गूगल ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों को यह कह दिया कि जितने भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 वाले फोन अब आपको आगे देखने को मिलेंगे, उसमें आपको हर तरीके का अपडेट मिलने वाला है, चाहे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच हो, चाहे लेटेस्ट कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो, आपको हर तरीके का अपडेट यहाँ पे दिया जाएगा। गूगल ने सभी कंपनियों को यह आदेश दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपके बैकग्राउंड में अपडेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जो यहाँ पे गूगल की तरफ से सीमलेस अपडेट हम सभी एंड्रॉइड यूजर्स को मिलेगा, ये एक बहुत अच्छी बात है गूगल की तरफ से, क्योंकि अब पहले क्या होता था कि जितने भी स्मार्टफोन वगैरह थे उनमें कुछ ओल्ड वर्जन होते थे फ़ोन, तो उसमें आपको नए पैच देखने को नहीं मिलते थे, नए सिक्योरिटी पैच देखने को नहीं मिलते थे, और जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आते थे उस मॉडल के उसमें आपको दिखाई देते थे। तो अब बिल्कुल ऐसा नहीं, जितने भी एंड्रॉयड 11 पर वर्क करेंगे आगे से डिवाइस, उनमें हर तरीके का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। अगला अपडेट जो यहाँ पे निकल गया था वो वहाँ पे एप्पल की तरफ से निकल गया था। दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि इस साल के सितंबर से अक्टूबर के बीच आपको एक नया एयरपॉड देखने को मिल जाएगा, जो कि एप्पल की तरफ से लॉन्च होगा, जिसका नाम होने वाला है यहाँ पे एक लीक निकल के आई एयरपॉड एक्स, जो कि मैं इसकी प्राइसिंग की डिटेल अगर आपको दे दूँ तो ये लगभग आपको $200 के आसपास पड़ने वाला है, जिसकी प्राइसिंग रफली इंडिया में कन्वर्ट करे तो 15,150 के आसपास पड़ने वाला है। बाकी कोई भी डिटेल वगैरह नहीं इस एयरपॉड एक्स के बारे में, देखते हैं किस फीचर्स के साथ और किस प्राइसिंग के साथ ये इंडिया में आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, क्या आप सब एक्साइटेड हो इस नए एयरपॉड एक्स को लेकर, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट जो निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे निकल के आता है, मैं आपको बता दूँ कि आपको नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे 192 मेगापिक्सल के कैमरा फोन देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सोच के देखिए, 192 मेगापिक्सल्स के फ़ोन। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ जो भी ये फ़ोन होने वाला है उसमें आपको प्रोसेसर दिया जाएगा 765 का। फिलहाल कोई भी डिटेल्स वगैरह नहीं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको 192 मेगापिक्सल की दे सकती है फोन्स में, भी ये सैमसंग हो सकता है, ओप्पो हो सकता है, वीवो हो सकता है, शाओमी हो सकता है, रेडमी या कोई भी ऐसा कंपनी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ जो अगला अपडेट निकल गया था वो यहाँ पे निकल गया था सैमसंग की तरफ से। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगस्त के महीने में आपको यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 और गैलेक्सी फोल्ड 2 देखने को मिल जाएंगे, जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक
ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हुए सैमसंग ने अगस्त का महीना फाइनल किया, जिसमें आपको ये दोनों सीरीज के फोन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आज अगला अपडेट निकल के आता है, आप निकल के आता है एलजी की तरफ से। दोस्तों जैसा आप सबको पता है कि एलजी ने जी सीरीज के फोन बनाने हैं बंद कर दिए हैं, तो उसके रिप्लेसमेंट में यहाँ आपको कुछ नए फोन्स देखने को मिल जाएंगे एलजी की तरफ से। मई के महीने में आपको ये फोन्स देखने को मिल सकते हैं, जहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक फोन के स्पेसिफिकेशंस कुछ लीक्ड होकर आई है, जहाँ पे बताया जा रहा है जो LG का फोन होने वाला है वो यहाँ पे 5G सपोर्ट आपको दिया जाएगा। अगर प्रोसेसर्स की बात करें तो इसमें आपको 765 से 760G का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो कि एक 8GB रैम वाला फोन हो सकता है। बाकी और कोई भी डिटेल्स नहीं कि किस प्राइसिंग और किस स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आपको देखने को मिल सकता है, तो ये देखने वाली बात होती है जब ये लॉन्च होते हैं। तो जो अगला अपडेट निकल गया तो फिर से यहाँ पे व्हाट्सअप की तरफ से निकल गया। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि व्हाट्सअप की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेक मैसेज वायरल हो रहे हैं, उसी पे यहाँ पे एक मैसेज और वायरल हो रहा है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको इंडियन गवर्नमेंट आपके मैसेजेस को ट्रैक कर रही है, जब आप फ्रेंड्स फैमिली से बात करें उसको व्हाट्सएप पे नज़र रखे हुए इंडियन गवर्नमेंट। तो मैं आपको बता दूँ कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ऐसा कोई भी काम हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर रही है। यहाँ उसी बीच एक और मैसेज वायरल हो रहा है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे ही आप कोई मैसेज डिलीवर करते हो सिंगल टिक पे डिलीवर हो जाता है, डबल टिक पे रीड हो जाता है मैसेज। उसी प्रकार से यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रिपल रेड टिक हो जाता है तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नोटिस वगैरह आएगा, जिसमें आपको कोर्ट विजिट करना होगा। तो मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई भी काम नहीं करती, ताकि जो भी किसी की पर्सनल आइडेंटिटी या पर्सनल बातचीत हो कहीं किसी के साथ लीक हो, तो आप बेफिक्र होकर चैटिंग करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। दोस्तों यहाँ जो अगला अपडेट निकल गया था वो यहाँ पर निकल गया था IIT की तरफ से। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि IIT रुड़की की तरफ से एक ऐप को डेवलप किया जा रहा है, जिसकी मदद से उस इंडिविजुअल पर निगरानी रखी जा सकती है, जिस भी इंडिविजुअल को यहाँ पे क्वारंटाइन पीरियड कहा गया क्वारंटाइन में रखने के लिए, अगर उस क्वारंटाइन पीरियड में वो कहीं बाहर निकलता है तो उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। इस ऐप की मदद से उसके एंटायर मूवमेंट की हिस्ट्री चेक की जा सकती है। अगर बाई चांस वो अपने मोबाइल डाटा और GPS को बंद कर देता है, फिर भी यहाँ पे एक SMS के माध्यम से उसको अलर्ट भेज दिया जाएगा, जो भी इस एप्लीकेशन को ट्रैक कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि ये विदाउट इंटरनेट भी वर्क करती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इस एप्लीकेशन की। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहता हूँ कि कोरोना वायरस में अगर आपको क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है, तो उस पीरियड में आप अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमें अपने आसपास में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना चाहिए, ये कोरोना वायरस सिर्फ एक टच से भी फैल सकता है। तो प्लीज़ आप अपने घरों में रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों ये थे कुछ कमाल के गर्मा गर्म टेक न्यूज़। दोस्तों उम्मीद है कोई टेक न्यूज़ पसंद आए होंगे, अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।